गाइज ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग डन हो चुकी है, ट्रिप के लिए हम लोग रेडी हैं। और पहले जब भी हम ट्रिप पे जाते थे ना, हमें ये छोटू बैग इनफ रहता था, 1 वीक के कपड़े हमारे इजीली आ जाते थे। और अभी ठंड की वजह से हमें दो दो कैरी करने पड़ रहे हैं, और थर्ड बैग ये कैरी करना है। और अभी बहुत कुछ बाकी है पैकिंग के लिए, तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में। हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है फ्रेंड्स। पैकिंग करना बिल्कुल ईजी टास्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने पूरे दो बैग हमारे पैक कर लिए हैं, और एक थर्ड बैग वो बेड पे रहा। और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो मुझे याद करना है कि हमें ट्रिप पर क्या इम्पोर्टेंट और क्या नीड हो सकती है, किस चीज़ की। अगर इमरजेंसी में भी नीड हुई तो हमारे पास वो चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि हमारी मेडिकल किट। तो चलो मैं मेडिकल किट प्रिपेयर कर लेती हूँ, और आप लोग ब्लॉग में बने रहना। देखता हूँ लड्डू क्या कर रही है। ओ तेरे की पूरा रूम फैला रखा है। हाँ जी, कहाँ की तैयारी है ट्रिप पर जाने की? ओ, ये इतने बैग सामान, इतना ज़्यादा ठंड है ना इसलिए। और अभी भी ये सोच रही कुछ भूल तो नहीं गई। कर रहा तैयारी, फिर आप जल्दी मिलते हैं फिर हैं वादियों में। और आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहना, और एंड तक देखना हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। बाय बाय। तो हम लोग रेडी हो गए हैं ट्रिप पे जाने के लिए, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। और हमारा सामान देखो एक बार, कितना सारा, ये सब भी हमें कैरी करना अपने साथ, क्योंकि ठंड का मौसम है और जितना ज्यादा सामान हो उतना ही कम लगता है। तो चलिए चलते हैं आगे, आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। तो हमारी गाड़ी फुल पैक हो चुकी है, ये सामान इधर आ गया है, बेस्ट ट्यूब है, इस वजह से आगे हमें एक बैग रखना पड़ा, और बाकी ब्लैंकेट और एक बैग बोरा, और ये खाने वाने का सामान, ऑल सेट टू गो। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, और टाइम हो रहा है 4:20, तो पूरी रात हमें ट्रैवल करना है। और पैकिंग के चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से, अभी मार्केट में मैं कुछ खाऊंगी। मेरे को टाइम, मैं बहुत चीजें याद कर करके रख रही थी, मुझे 2 घंटे हुए पैकिंग करते। का इलाज। ये मैं गाड़ी में लेट गई हूँ, और ना एक अलग ही मजा आ रहा है ऐसे ट्रैवल करने में। और लंबा ट्रैवल हो ना तो ज्यादा मजा आता है। मैं ऐसे गाड़ी में अपनी सारी चीज सेट कर ली, मैं इतनी कंफर्टेबल लेटी हुई ना, ये बस पूछो मत, बड़ा मजा आ रहा है। और बस मैं लेटने आई हूँ थोड़ी 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं आगे चली जाऊँ, क्योंकि मुझे पीछे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब तक मिस्टर भारद्वाज ड्राइव करेंगे, और हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे और वहां पे स्टे करेंगे, और मॉर्निंग में हम लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। तब तक के लिए व्लॉग में बने रहना। तो गाइस हमारा डिनर डन हो चुका है, और हम लोग थक गए हैं। कितने बज रहे हैं? रात के एक बज रहे हैं, और ये रे मिस्टर भारद्वाज, जिन्होंने भी खाना खा लिया है। अब हम लोग सोएंगे, और सुबह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जल्दी निकले, अदरवाइज हम लोग 7 बजे या 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रीतम भारद्वाज। और हम लोग वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह 7:30 बजे चंडीगढ़ की गलियों में। तो गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, और हमें लगा था कि चंडीगढ़ में काफ़ी ठंड हो रही होगी, बट यहाँ पे प्लेजेंट वेदर है। मतलब हम लोग वॉक पे इसीलिए आए क्योंकि मौसम ठीक है, और आज हमारे ट्रिप आगे बढ़ेगी। आज हम आगे चलेंगे, जो कि हमारा होगा काफ़ी लगभग 12 से 13 घंटे हमें ड्राइव करना है आज, और आज मतलब हमें पहुँच जाना है हमारी लोकेशन पर। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। 800 एकदम टनाटन बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं वॉक के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मैं तो नहा के रेडी भी हो चुकी हूँ, और मिस्टर भारद्वाज बनाएंगे, और मिस्टर भारद्वाज ने बनाई है कॉफ़ी। हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। बताओ बताओ बताओ। स्ट्रॉन्ग बनाई है, बट मीठा ठीक है, लाइट, मुझे लाइट पसंद। अच्छा, स्ट्रॉन्ग पीपल स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। और अभी हम टेरेस पर आए हैं, बट यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है जितनी अपने वहाँ गुड़गांव में है ना, यहाँ इतनी ठंड नहीं है। बुरे हमला के पेड़ मस्त है ना, वेदर भी, लोग भी है ना, मतलब
लोग इसलिए चंडीगढ़ में रहते हैं है ना। हाँ बहुत क्लीन है, कोई पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा सब नहीं करता यहाँ पे, लोग मतलब है ना दूर से भी पक्षियों की आवाज आती है। हाँ काफी अच्छा। और सनसेट देख लो, सनराइज हाँ सेट भी दिखता होगा यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है, कॉफी अच्छी है, हल्की ठंड में कॉफी मजे आ गए। स्पेशल जगह आए हैं बट वहाँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंशियल है, बट अंदर दो पैट्स उनसे मिलवाते पपी। हेलो तो जी ये था छोटा सा व्लॉग, और आगे कश्मीर के व्लॉग आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।